नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस मजल मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोड्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस मजल मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। और इस मजल मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको देखने के बाद मैं आपको इस मजल मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोड्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड्स। उठो तो ऐसे उठो फकर बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फकर बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी में नाज करे, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे, कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। दूसरा मोटिवेशनल कोड्स, कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, कि एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। अरुण एकहार्ट की साल 2024 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है। और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देर इज सो मैनी ईयर्स ऑफ दिस लाइफ। Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, is that this movie adds a dark side to how dogs are talented is the drug selling industry and this was hornbill side to how German shepherds of the good US police force so it does both be side of how German shepherd have been used for they was very interesting and informative actually. Now the flip side to Jack Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie whom
इज प्लेइंग ए गुड लॉस एंजल्स पुलिस ऑफिसर दैट हैज डेडिकेटेड इज लाइक के नाइन पोलिशिंग अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर ए सी ए के नाइन पुलिस डॉग इज दैट शॉर्ट एंड क्लिड इज द लाइन ऑफ ड्यूटिंग इट वॉज प्रॉब्लम द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट दिस डिड लीड ऑफिसर रोसर टू ए न्यू पार्टनर दैट इज एंड अप अडोप्टिंग दिस फीमेल डॉग नेम सोक्स बीकम ए ग्रेट पार्टनर फॉर हिम थॉट सोम हार्ड वर्क ऑफ कोर्स एनी वे थॉट आउट ऑफ द मूवी इट टेंड्स ऑफ गेट स्लो एंड सैड बट आई थॉट इट आल्सो किप्ट मी ऑफ द ईडीजी ऑफ माई सीट बिकॉज ऑफिसर रोजर वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु क्लिड एसिंग विच इवेंचुअली लीड हिम द सोक ओरिजिनल ओनर ए फीमेल जर्मन बॉस ऑफ द ड्रग रिंग द वूमेन वॉज रनिंग दिस इज वेरी द मूवी गेट डार्क इन द एंड हिज डज फाइंड सोक बट देर इज डेफिनेटली ए पार्ट द मूवी दैट डेफिनेटली गेट इंटेंसिटी ए लाइफ ऑफर रोजर इज नाउ ऑन द ईडीजी फॉर हिम एंड सोक्स एनी वे देर इज ए हैप्पी एंडिंग बट विल हैव टू वॉच दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग फॉर आई कैन शे इट नॉट ए गुड सम पीपुल हैव सेड बिफोर मी इट इज गुड मूवी फॉर पीपुल हु लव्स डॉग्स एंड इज गुड मूवी बिकॉज जस्टिस टू सर्वर एंड ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस आउट ऑफ पोजिशन ड्रग ऑफ मेजर सिटीजन लाइक लॉस एंजल्स ए सिटी दैट विटली लिटरेचर ईट यू लाइव इफ यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज रैम्पेंट ऑफ देयर अनफॉर्चुनेटली आई डू प्रे फॉर लॉस एंजल्स एंड आई प्रे फॉर द सॉल्यूशन दैट आर टेकन बाय द डार्क साइड ऑफ ड्रग्स लाइक फैंटास्टिक प्लीज गेट हेल्प इफ यू आर ऑन ड्रग्स यू आर लाइव टू वर्थ मोर देन यू मैनी वैल्यू योर सेल्फ यस आई रिकमांडेड दिस मूवी इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर टू हार्ट हैपनिंग ओवर आई कंट्री आई एम क्रॉस दिस movie is accident in ever really had hard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robot maybe a good was the moving scenes the dour content being is USA had a swiss or southern border world sign is fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal here is Los Angeles yes there is enough crime for an educated US story the other review will new tell the plot better but problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep you like you seen before it is a mass of cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart is role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe at the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus play over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good a movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mad decor it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without know how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the his put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can see that did not spend much on the cost was nearly 50% seem to be bunch of skid how hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline
problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if their and rating lower and good thing out did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was me if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love a heart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I did run for the hills low budget painful to watch why did Sok only have 3 lakhs in the ending agree with previous review saying it was a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good ado lower and great movie dark effect for this movie very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it start off strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफी ज्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देयर सो मेनी इयर्स ऑफ दिस लाइफ Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, is that this movie adds a dark side to how dogs are talented, is the drug selling industry and is the was horrible side to how German shepherds of the good US police force. So it does both be side of how German shepherds have been used for they was very interesting and informative. Actually, now the flip side to Jake Jacob Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie. Whom is playing a good Los Angeles police officer that has dedicated his life canine polishing and unfortunately his partner AC a canine police dog is that short and clipped is the line of duty it was probably the saddest part of the movie but this did lead officer Rosser to a new partner that is end up adopting this female dog his name Socks become a great partner for him thought some hard work of course anyway thought out of the movie it turns
ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਗੈਟ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸੈਡ ਬਟ ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕਿਪਟ ਮੀ ਆਫ ਦਾ ਈ ਡੀ ਜੀ ਆਫ ਮਾਈ ਸੀਟ ਬੀਕੋਜ਼ ਓਫਿਸਰ ਰੋਜ਼ਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਹੂ ਕਲਿਡ ਏਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਵੈਂਚੁਲੀ ਲੀਡ ਹਿਮ ਦਾ ਸੋਕ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰ ਏ ਫੀਮੇਲ ਜਰਮਨ ਬੋਸ ਆਫ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰਿੰਗ ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਦ ਮੂਵੀ ਗੈਟ ਡਾਰਕ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹਿਜ ਡਜ ਬਾਇੰਡ ਸੋਕ But there is definitely a part of the movie that definitely get intensity a life offer Roger is now on the EDG for him and socks anyway there is a happy ending but we'll have to watch this movie is worth watching for I can say it not a good some people have said before me it is good movie for people who loves dogs and it's good movie because justice to server and on the criminals that dis out of position drug of major citizen like Los Angeles a city that wittily literature eat you alive if you don't stay away from the drugs and crime that is rampant over there unfortunately I do pray for Los Angeles and I pray for the solution that are taken by the dark side of drugs like fantastic please get help if you are on drugs you are alive to worth more than you many value yourself yes I recommended this movie it is definitely an eye opener to heart happening over our country I am across this movie is accident I never really had heard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the rob of maybe a good was the moving sinister dour content being is USA had a resource southern border world Chinese fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles yes they There is enough crime for an educated US story the other you will new tell the plot better but problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep you like you seen before it is a mass of cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart his role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe at the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus planning over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mad decor it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without know how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the his put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can seem that did not spend much on the cast was nearly 50% seem to be buns of skid out hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters
आई गिव इज द 5 स्टार ए लिटिल डार्क डेफिनेट रिन्यू मूवी बट ए गुड वॉच लव ए हर्ट एंड द डॉग्स आर प्रीति अवेसम आई वॉच बिकॉज आई एम फैन ऑफ आरोन एक हर्ट एंड आई लव डॉग स्टोरी दिस मूवी वॉच ट्रिब्यूनेट इट नॉट ग्रेट बट ऑफ ए हर्ट वॉज गुड ऑफ द रिकमांडेड इफ यू वेरी डॉग एक्टिंग इन दिस मूवी आई डी रन फॉर द हिल्स लो बजट पेनफुल टू वॉच वाई डिड सोक ओनली हैव 3 lakhs इन द एंडिंग एग्री विथ प्रीवियस रिव्यू सेइंग इट वैड ए गुड मूवी आई लव दिस मूवी द न्यू डॉग ही गोट लव हेयर बट द फर्स्ट मे इज रेस्ट इन पीस वाई इज मिया सो मच यंगर दैन जेक इन दिस मूवी आल्सो जेक इज काइंड ऑफ दिस इज जॉब ट्रिब्यूनेट कंप्लीटली अनबिलेबल एंड पुअर प्लॉट ए कंप्लीटली फॉर 94 minutes ऑफ माई लाइफ ब्राउट ए टीयर ऑफ दिस गुड अडू लोअर एंड ग्रेट मूवी डार्क इफेक्ट फॉर दिस मूवी वेरी वेरी इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंग ओवरऑल मजल ऑफर ए थ्रिलियर एंड सस्पेंसफुल व्यू एक्सप्रेशन दैट किप्स ऑडियंस ऑन द इडीजी ऑफ योर सीट एंड दिस पुरसुट जैक स्ट्रिप ओवर द अंडरवर्ल्ड ऑफ शेडी करेक्टर ट्रैफिक रॉक्स एंड बिजनेसमैन एक्टिंग एज फ्रंट ऑफ दिस इट स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्गली बॉब्स डाउन इज द मिडल ऑफ दिस मोस्टली एंड परफेक्टली बॉब्स एंड गुड थिंग अबाउट दैट डॉग्स गिव द फिल्म टच ऑफ क्लास बट एज गुड विद द फॉरगेटेबल नोटेबल एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस स्किड फॉर दिस मूवी साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाट इंट वैली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइस जस्ट ए क्लीन एस्टवर्ड डिड देयर इज सो मेनी इयर्स ऑफ दिस लाइफ Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, is that this movie adds a dark side to how dogs are talented is the drug selling industry and this was horrible side to how German shepherds of the good US police force so it does both be side of how German shepherds have been used for they was very interesting and informative actually now the flip side to Jack Jaker Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie whom is playing a good Los Angeles police officer that has dedicated his life canine polishing and for his partner AC a canine police dog is that short and clear is the line of duty it was probably the saddest part of the movie but this did lead officer Rosser to a new partner that is end up adopting this female dog named his name Socks become a great partner for him thought some hard work of course anyway thought out of the movie it turned of get slow and sad but I thought it also kept me off the edge of my seat because officer Roger wanted to find out who killed AC which eventually led him the shock original owner a female German boss of the drug ring the woman was running this is where the movie get dark in the end he does find shock
बट देर इज़ डेफिनेटली ए पार्ट द मूवी दैट डेफिनेटली गेट इंटेंसिटी ए लाइफ ओपर रोजर इज नाउ ऑन द इडीजी फॉर हिम एंड सोक्स एनी वे देर इज़ ए हैप्पी एंडिंग बट विल हैव टू वॉच दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग फॉर आई कैन शे इट नॉट ए गुड सम पीपुल हैव सेड बिफोर मी इट इज़ गुड मूवी फॉर पीपुल हु लव्स डॉग्स एंड इज गुड मूवी बिकॉज जस्टिस टू सर्वर एंड ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस आउट ऑफ पोजिशन ड्रग ऑफ मेजर सिटीजन लाइक लॉस एंजल्स ए सिटी दैट विटली लिटरेचर ईट यू लाइव इफ यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज रैम्पेंट ऑफ देयर अनफॉर्चुनेटली आई डू प्रे फॉर लॉस एंजल्स एंड आई प्रे फॉर द सोल्यूशन दैट आर टेकन बाई द डार्क साइड ऑफ ड्रग्स लाइक फैंटास्टिक प्लीज गेट हेल्प इफ यू आर ऑन ड्रग्स यू आर लाइव टू वर्थ मोर देन यू मैनी वैल्यू योर सेल्फ यस आई रिकमांडेड दिस मूवी इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर टू हार्ट हैपनिंग ओवर आई कंट्री आई एम क्रॉस दिस movie is accident in ever really had hard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robot maybe a good was the moving scenes the door content being is USA had a sweet so southern border world sign is fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles yes they There is enough crime for an educated US story. The other review will new tell the plot better. But problem is why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year. I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry. I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep it like you seen before it is a mass of cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart his role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe at the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus planning over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good movie thought I suggest that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very medical it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without knew how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the is put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can seem that did not spend much on the cast was nearly 50% seem to be buns of skilled how hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every seen in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love Eckhart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I'd run for the hills low budget painful to watch why did soak only have 3 lakhs in the ending agree with previous
टेक्स्ट यू सेइंग इट वैड ए गुड मूवी आई लव दिस मूवी द न्यू डॉग ही गोट लव हेयर बट द फर्स्ट मैन इज रेस्ट इन पीस वाई इज मिया सो मच यंगर दैन जैक इन दिस मूवी आल्सो जैक इज काइंड ऑफ दिस इज जॉब ट्रिब्यूनेट कंप्लीटली अनबीअवेलेबल एंड पुअर प्लॉट ए कंप्लीटली फॉर 94 मिनट्स ऑफ माई लाइफ ब्राउट ए टीयर ऑफ दिस गुड आई डू लोअर एंड ग्रेट मूवी डार्क इफेक्ट फॉर दिस मूवी वेरी वेरी इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंग ओवरऑल मजल ऑफर ए थ्रिलियर एंड सस्पेंसफुल व्यू एक्सप्रेशन दैट किप्स ऑडियंस ऑन द इडीजी ऑफ योर सीट एंड दिस पुरसुट जैक स्ट्रिप ओवर द अंडरवर्ल्ड ऑफ शेडी करैक्टर ट्रैफिक रॉक्स एंड बिजनेसमैन एक्टिंग एज फ्रंट ऑफ दिस इट स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्गली बॉब्स डाउन इज द मिडल ऑफ दिस मोस्टली एंड परफेक्टली बॉब्स एंड गुड थिंग अबाउट दैट डॉग्स गिव द फिल्म टच ऑफ क्लास बट एज गुड विद द फॉरगेटेबल नोटेबल एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस स्किड फॉर दिस मूवी साल 2023 में रिलीज़ हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है। और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाट इंटरवेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट एज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देर इज सो मैनी ईयर्स ऑफ दिस लाइफ Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, is that this movie adds a dark side to how dogs are talented is the drug selling industry and this was horrible side to how German shepherds of the good US police force so it does both be side of how German shepherds have been used for they was very interesting and informative actually. Now the flip side to Jack Jacker Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie whom is playing a good Los Angeles police officer that has dedicated his life canine policing unfortunately his partner AC a canine police dog is that short and clipped is the line of duty it was probably the saddest part of the movie but this did lead officer Rosser to a new partner that is end up adopting this female dog named Sox become a great partner for him thought some hard work of course anyway thought out of the movie it tends of get slow and sad but I thought it also kept me off the edge of my seat because officer Roger wanted to find out who killed Acing which eventually led him the Sox original owner a female German boss of the drug ring the woman was running this is where the movie get dark in the end he does find Sox but there is definitely a part of the movie that definitely get intensity a life offer Roger is now on the EDG for him and Sox anyway there is a happy ending but we'll have to watch this movie is worth watching for I can say it not a good some people have said before me it is good movie for people who loves dogs and it's good movie because justice to server and on the criminals that dis out of position drug of major citizen like Los Angeles a city that witly
चैटलिटेचर ईट यू लाइव इफ यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज रैम्पेंट ऑफ देयर अनफॉर्चुनेटली आई डू प्रे फॉर लॉस एंजल्स एंड आई प्रे फॉर द सॉल्यूशन दैट आर टेकन बाय द डार्क साइड ऑफ ड्रग्स लाइक फैंटास्टी प्लीज गेट हेल्प इफ यू आर ऑन ड्रग्स यू आर लाइव टू वर्थ मोर देन यू मैनी वैल्यू योर सेल्फ यस आई रिकमांडेड दिस मूवी इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर टू हार्ट एपनिंग ओवर आई कंट्री आई एम क्रॉस दिस मूवी इज एक्सीडेंट इन एवर रियली हैड हार्ड ऑफ इट मैनी से इज डार्क बट आई रियली रिफ्लेक्शन ऑफ द वाट पोर्निंग अक्रॉस और साउथर्न बॉर्डर इज द रोब ऑफ मे बी अ गुड वॉज द मूविंग डूर कंटेंट बींग इज यू एस एड ए स्वीस और साउथर्न बॉर्डर होल्ड साइन इज फैंटास्टी एंड मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स बी सो इजली अवेलेबल एंड ऑपरेटिंग एयर ऑन यू एस सोल एज ए मेजर प्लॉट ऑफ द गुड गैट हेयर दैट नॉर्मल हेयर इज लॉस एंजल्स यस देर इज एन अप क्राइम फॉर एन एडुकेटेड यू एस सॉरी द अदर यू विल न्यू टेल द प्लॉट बेटर बट प्रॉब्लम वाई द मीडिया डिड नॉट बट एनी एनर्जी इट पब्लिसाइज इज अदर हॉलीवुड न्यू इज केयरफुल वैन टू मच इज ऑन द स्क्रीन फॉर द अपकमिंग 2024 इलेक्शन ईयर आई एम सरप्राइज दिस इवन वॉज रिलीज कीपिंग एज सेपरेट एंड सेइंग ऑल इज वेल इन अमेरिका इज द वे द मीडिया वैन टू सॉरी आई वॉज होपिंग माई क्रिप्यूट वुड नॉट गो पोर्टिकल बट दिस स्टेट द यूनियन This script wise the problem is sale as well. The man of the good with this movie will feel like you seen before. It is a mass up cop drama, dog bonding and over that top renew ending. You never really get invested is many of the character include the dogs. Eckhart is role feels all the familiar being there was this type feeling you can however suspended believe at the ending. The streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus play. Over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good a movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stub was edited out of the maybe just was never even filmed it was very medical it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without knew how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the his put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can see that did not spend much on the cost was nearly 50% seem to be buns of skid how hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love Eckhart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I did run for the hills low budget painful to watch why did soak only have 3 lakhs in the ending agree with previous you saying it had a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good a do lower and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and
suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and is pursuing Jack Strip over the underworld of shady character traffic rogues and businessman acting as front of this it start off strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie. साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देयर सो मेनी इयर्स ऑफ दिस लाइफ Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, this movie adds a dark side to how dogs are talented is the drug selling industry and this was horrible side to how German shepherds of the good US police force so it does both be side of how German shepherds have been used for they was very interesting and informative actually now the flip side to Jack Jaker Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie who is playing a good Los Angeles police officer that has dedicated his life canine policing. Unfortunately, his partner AC, a canine police dog, is that short and clipped is the line of duty. It was probably the saddest part of the movie, but this did lead Officer Rosser to a new partner that is end up adopting this female dog named his name Sox become a great partner for him. Thought some hard work, of course. Anyway, thought out of the movie, it turned soap get slow and sad but I thought it also kept me off the edge of my seat because Officer Roger wanted to find out who killed Acing which eventually led him the Sox original owner a female German boss of the drug ring the woman was running this is where the movie get dark in the end he does find Sox but there is definitely a part of the movie that definitely get intensity a life over Roger is now on the edge for him and Sox anyway there is a happy ending but we'll have to watch this movie is worth watching for I can say it not a good some people have said before me it is good movie for people who loves dogs and it's good movie because justice to server and on the criminals that dis out of position drug of major citizen like Los Angeles a city that witly literature eat you alive if you don't stay away from the drugs and crime that is rampant over there unfortunately I do pray for Los Angeles and I pray for the solution that are taken by the dark side of drugs like fantastic please get help if you are on drugs you are alive to worth more than you many value yourself yes I recommended this movie it is definitely an eye opener to heart happening over our country I am across this movie.
मूवी इज एक्सीडेंट इन एवर रियली हैड हार्ड ऑफ इट मैनिस इज डार्क बट आई रियली रिफ्लेक्शन ऑफ द वाट पोर्निंग अक्रॉस और साउथर्न बॉर्डर इज द रोब ऑफ मे बी अ गुड वॉज द मूविंग डूर कंटेंट बींग इज यू एस एड ए सी सो साउथर्न बॉर्डर होल्ड चाइनीज फैंटेस्ट एंड मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स बी सो इजली अवेलेबल एंड ऑपरेटिंग एयर ऑन यू एस सोल एज ए मेजर प्लॉट ऑफ द गुड गैट हेयर दैट नॉर्मल एयर इज लॉस एंजल्स यस देर इज एन अप क्राइम फॉर एन एडुकेटेड यू एस सॉरी द अदर यू विल न्यू टेल द प्लॉट बेटर बट प्रॉब्लम वाई द मीडिया डिड नॉट बट एनी एनर्जी इट पब्लिसाइज इज अदर हॉलीवुड न्यू इज केयरफुल वैन टू मच इज ऑन द स्क्रीन फॉर द अपकमिंग 2024 इलेक्शन ईयर आई एम सरप्राइज दिस इवन वॉज रिलीज कीपिंग एज सेपरेट एंड सेइंग ऑल इज वेल इन अमेरिका इज द वे द मीडिया वैन टू सॉरी आई वॉज होपिंग माई रिप्यूट वुड नॉट गो पोर्टिकल बट दिस स्टेट द यूनियन This script wise problem is sale as well. The man of the good with this movie will feel like you seen before. It is a mass of cop drama, dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the characters include the dogs. Eckhart's role feels all the familiar being there was this type feeling you can however suspended believe at the ending. The streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus play over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good a movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mad decor it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without knew how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the his put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can seem that did not spend much on the cast was nearly 50% seem to be bunch of skid out hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love Eckhart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I'd run for the hills low budget painful to watch why did soak only have 3 lakhs in the ending agree with previous you saying it had a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good a do lower and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it start off strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie
साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफी ज्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है। और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज व्हाट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देयर इज सो मेनी इयर्स ऑफ दिस लाइफ Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, is that this movie adds a dark side to how dogs are talented is the drug selling industry and this was hornbill side to how German shepherds of the good US police force so it does both be side of how German shepherd have been used for they was very interesting and informative actually. Now the flip side to Jack Jaker Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie who is playing a good Los Angeles police officer that has dedicated his life canine policing. Unfortunately, his partner AC, a canine police dog, is that short and clipped is the line of duty. It was probably the saddest part of the movie, but this did lead Officer Rosser to a new partner that is end up adopting this female dog named his name Sox, become a great partner for him. Thought some hard work, of course. Anyway, thought out of the movie, it turned soap get slow and sad, but I thought it also kept me off the edge of my seat because Officer Roger wanted to find out who killed Acing, which eventually led him the Sox original owner, a female German boss of the drug ring the woman was running. This is where the movie get dark in the end. He does find Sox, but there is definitely a part of the movie that definitely get intensity. A life offer Roger is now on the EDG for him and Sox. Anyway, there is a happy ending, but we'll have to watch. This movie is worth watching for I can say it not a good, some people have said before me, it is good movie for people who loves dogs and it's good movie because justice to server and on the criminals that dis out of position drug of major citizen like Los Angeles, a city that witly literature eat you alive if you don't stay away from the drugs and crime that is rampant over there. Unfortunately, I do pray for Los Angeles and I pray for the solution that are taken by the dark side of drugs like fantastic. Please get help if you are on drugs. You are alive to worth more than you many value yourself. Yes, I recommended this movie. It is definitely an eye-opener to heart happening over our country. I am across this movie is accident in never really had heard of it. Many say is dark, but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robe of maybe a good was the moving sense the dour content being is USA had a resource southern border world sign is fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles. Yes, they
there is an up crime for an educated US story. The other news will new tell the plot better button problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year. I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep it like you seen before it is a mass up cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart his role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe at the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good a movie thought I suggest that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mad decor it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without knew how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the he's put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can seem that did not spend much on the cast was nearly 50% seem to be buns of skid how hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing out did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was me if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love Eckhart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I'd run for the hills low budget painful to watch why did Sok only have 3 lakhs in the ending agree with previous you saying it had a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good a do lower and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it start off strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग
टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वॉज वेरी माई हिस्ट्री एंड दिस इज वॉट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट एज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देर इज सो मैनी ईयर्स ऑफ दिस लाइफ एनी वेज इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मूवी दैट इज ए फन लविंग मूवी बोर द फैमिली इज द दिस मूवी एज ए डार्क साइड टू हाउ डॉग्स आर टैलेंटेज इज द ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री एंड इज वॉज हॉर्न बिल साइड टू हाउ जर्मन सेपर्स ऑफ द गुड US पुलिस फोर्स सो इट दैस बोथ बी साइड ऑफ हाउ जर्मन स्टेपर हैव गिन यूज फॉर दे वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। एक्चुअली नाउ द फ्लिप साइड टू जैक जेकर रोजर्स एका ऑफ आरोन एकहर्ट इज द स्टार ऑफ द मूवी हुम इज प्लेइंग ए गुड लॉस एंजल्स पुलिस ऑफिसर दैट हैज डेडिकेटेड इज लाइक K9 पोलिशिंग अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर AC ए K9 पुलिस डॉग इज दैट शॉर्ट एंड क्लिप्ड इज द लाइन ऑफ ड्यूटी। इट वॉज प्रॉब्लमी द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट दिस डिड लीड ऑफिसर रोसर टू ए न्यू पार्टनर दैट इज एंड अप अडोप्टिंग दिस फीमेल डॉग नेम सोक्स बीकम ए ग्रेट पार्टनर फॉर हिम थॉट सोम हार्ड वर्क ऑफ कोर्स एनी वे थॉट आउट ऑफ द मूवी इट टेंड्स ऑफ गेट स्लो एंड सैड बट आई थॉट इट आल्सो किप्ट मी ऑफ द ईडीजी ऑफ माई सीट बिकॉज ऑफिसर रोजर वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु क्लीड एसिंग विच इवेंचुअली लीड हिम द सोक ओरिजिनल ओनर ए फीमेल जर्मन बॉस ऑफ द ड्रग रिंग द वूमेन वॉज रनिंग दिस इज वेरी द मूवी गेट डार्क इन द एंड हिज डज बाइंड सोक बट देर इज डेफिनेटली ए पार्ट द मूवी दैट डेफिनेटली गेट इंटेंसिटी ए लाइफ ऑफर रोजर इज नाउ ऑन द EDG फॉर हिम एंड सोक्स एनी वे देर इज ए हैप्पी एंडिंग बट विल हैव टू वॉच दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग फॉर आई कैन शे इट नॉट ए गुड सम पीपुल हैव सेड बिफोर मी इट इज गुड मूवी फॉर पीपुल हु लव्स डॉग्स एंड इज गुड मूवी बिकॉज जस्टिस टू सर्वर एंड ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस आउट ऑफ पोजिशन ड्रग ऑफ मेजर सिटीजन लाइक लॉस एंजल्स ए सिटी दैट विटली लिटरेचर ईट यू लाइव इफ यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज रैम्पेंट ऑफ देयर। अनफॉर्चुनेटली आई डू प्रे फॉर लॉस एंजल्स एंड आई प्रे फॉर द सोल्यूशन दैट आर टेकन बाई द डार्क साइड ऑफ ड्रग्स लाइक फैंटास्टी प्लीज गेट हेल्प इफ यू आर ऑन ड्रग्स यू आर लाइव टू वर्थ मोर दैन यू मैनी वैल्यू योर सेल्फ यस आई रिकमांडेड दिस मूवी इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर टू हार्ट एपनिंग ओवर आई कंट्री आई एम क्रॉस दिस मूवी इज एक्सीडेंट इन एवर रियली हैड हार्ड ऑफ इट मैनी से इज डार्क बट आई रियली रिफ्लेक्शन ऑफ द वाट पोर्निंग अक्रॉस और साउथर्न बॉर्डर इज द रोब ऑफ मे बी अ गुड वॉज द मूविंग डूर कंटेंट बींग इज USA एड ए स्वी सो साउथर्न बॉर्डर होल्ड चाइनीज फैंटेस्टी एंड मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स बी सो इजली अवेलेबल एंड ऑपरेटिंग एयर ऑन US सोल एज ए मेजर प्लॉट ऑफ द गुड गेट हेयर दैट नॉर्मल हेयर इज लॉस एंजल्स यस there is enough crime for an educated US story the other review will new tell the plot better but problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union
दिस स्क्रिप्ट वाइज प्रॉब्लम इज सेल एज वेल द मैन ऑफ द गुड विद दिस मूवी विल की फील लाइक यू सीन बिफोर इट इज़ अ मासअप कोप ड्रामा डॉग बॉन्डिंग एंड ओवर दैट टॉप रिन्यू एंडिंग यू नेवर रियली गेट इन्वेस्टेड इज मैनी ऑफ द करेक्टर इंक्लूड द डॉग्स एक हर्ट इज रोल फील्स ऑल द फेमिलियर बीन देर वॉच दिस टाइप फीलिंग यू कैन हाउ एवर सस्पेंडेड बिलीव एट द एंडिंग द स्ट्रीट्स ऑफ सीन्स ऑफ लॉस एंजेलिस ए डिसेंट जॉब हाई लाइटिंग द रियल ड्रग सर्कस planning over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mad decor it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without know how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the his put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can seem that did not spend much on the cast was nearly 50% seem to be bunch of skilled how hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love a heart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I run for the hills low budget painful to watch why did soak only have 3 lakhs in the ending agree with previous you saying it had a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good adu lower and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it start off strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर
रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है। और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वॉज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज वॉट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट एज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देर इज सो मैनी ईयर्स ऑफ दिस लाइफ एनी वेज इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मूवी दैट इज ए फन लविंग मूवी बोर द फैमिली इज द दिस मूवी एज ए डार्क साइड टू हाउ डॉग्स आर टैलेंटेज इज द ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री एंड इज वॉज हॉर्न बिल साइड टू हाउ जर्मन शेपर्ड्स ऑफ द गुड US पुलिस फोर्स सो इट डैश बोथ बी साइड ऑफ हाउ जर्मन शेपर्ड हैव गिन यूज फॉर दे वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। एक्चुअली नाउ द फ्लिप साइड टू जैक जेकर रोजर्स एका ऑफ आरोन एकहर्ट इज द स्टार ऑफ द मूवी हुम इज प्लेइंग ए गुड लॉस एंजल्स पुलिस ऑफिसर दैट हैज डेडिकेटेड इज लाइक के नाइन पोलिशिंग अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर AC ए K9 पुलिस डॉग इज दैट शॉर्ट एंड क्लिड इज द लाइन ऑफ ड्यूटिंग इट वॉज प्रॉब्लम द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट दिस डिड लीड ऑफिसर रोसर टू ए न्यू पार्टनर दैट इज एंड अप अडोप्टिंग दिस फीमेल डॉग नेम सोक्स बीकम ए ग्रेट पार्टनर फॉर हिम थॉट सोम हार्ड वर्क ऑफ कोर्स एनी वे थॉट आउट ऑफ द मूवी इट टेंड्स ऑफ गेट स्लो एंड सैड बट आई थॉट इट ऑल्सो किप्ट मी ऑफ द ईडीजी ऑफ माई सीट बिकॉज ऑफिसर रोजर वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु क्लिड एसिंग विच इवेंचुअली लीड हिम द सोक ओरिजिनल ओनर ए फीमेल जर्मन बॉस ऑफ द ड्रग रिंग द वूमेन वॉज रनिंग दिस इज वेरी द मूवी गेट डार्क इन द एंड हिज डज फाइंड सोक बट देर इज डेफिनेटली ए पार्ट द मूवी दैट डेफिनेटली गेट इंटेंसिटी ए लाइफ ऑफर रोजर इज नाउ ऑन द EDG फॉर हिम एंड सोक्स एनी वे देर इज ए पी एंडिंग बट विल हैव टू वॉच दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग फॉर आई कैन शे इट नॉट ए गुड सम पीपुल हैव सेड बिफोर मी इट इज गुड मूवी फॉर पीपुल हु लव्स डॉग्स एंड इज गुड मूवी बिकॉज जस्टिस टू सर्वर एंड ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस आउट ऑफ पोजिशन ड्रग ऑफ मेजर सिटीजन लाइक लॉस एंजल्स ए सिटी दैट विटली लिटरेचर ईट यू लाइव इफ यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज रैम्पेंट ऑफ देयर अनफॉर्चुनेटली आई डू प्रे फॉर लॉस एंजल्स एंड आई प्रे फॉर द सॉल्यूशन दैट आर टेकन बाय द डार्क साइड ऑफ ड्रग्स लाइक फैंटास्टी प्लीज गेट हेल्प इफ यू आर ऑन ड्रग्स यू आर लाइव टू वर्थ मोर देन यू मैनी वैल्यू योर सेल्फ यस आई रिकमांडेड दिस मूवी इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर टू हार्ट हैपनिंग ओवर आई कंट्री आई एम क्रॉस दिस movie is accident in ever really had heard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robot maybe a good was the moving scenes the dour content being is USA had a resource southern border world sign is fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles yes they There is enough crime for an educated US story. The other review will new tell the plot better but problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year. I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep you like you seen before it is a mass up cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart is role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe up the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus play
रिमेनिंग ओवर दिस सो लॉन्ग ऑफ गुड हैव नथिंग ऑफ मीनिंग गोइंग ऑन द हैव वॉच फॉर लेस देन और बुक्स ऑफ प्रॉब्लम ही यू कैन डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड थिंक अबाउट वेरी मजल मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव एवरी एज ए जर्मन द परफेक्ट मूवी आई एंजॉय वॉचिंग मूवी लाइक दिस सो एग्जिट एंड किट किप्स यू ऑन योर टॉइस इट इज़ प्रीति गुड मूवी थॉट आई सक्सेस दैट टू एवरीबॉडी इफ यू वॉन्ट टू वॉच इट जस्ट मैक श्योर दैट यू डोंट हैव नो किड्स रनिंग अराउंड टू वॉच इट यू हैव ए गुड आई इट एवरीबॉडी आई फील लाइक दिस कुड हैव हैड द बोन्स ऑफ ए गुड मूवी बट इट सीम्स लाइक सम सर्कल स्टूप वॉज एडिटेड आउट ऑफ द मे बी जस्ट वॉज नेवर इवन फिल्म इट वॉज वेरी मैड डिकोर इट द ऑल एक्सपेक्टेड बट अदर दैन स्क्रीन राइटिंग ऑन द एडिटिंग वॉज ट्रेसिंग एज हार्ड टू से विच विदाउट न्यू हाउ मच ऑफ द फिल्म वॉज कट ड्यूरिंग पोस्ट प्रोडक्शन वॉज सस्पेक्ट इफ द वुड एन अनफॉर्चुनेट इन दिस मूवी द फर्स्ट डॉग ए सी वॉज डेफिनेटली हिज पार्टनर एट दैट हाउ ही लुक्ड एट द हिज पुट दिस लाइफ ऑन द गुड मर्डर ऑफ द पार्टनर जस्ट हैपन टू गुड डॉग जर्मन सुपर एंड गुड अराउंड फॉर जर्मन ए वेरी डार्क आई कैन सीम दैट डिड नॉट स्पेंड मच ऑन द कास्ट ऑज नियरली 50% सीम टू बी बंस ऑफ स्किड हाउ हार्ड टू कीप अप एंड गोइंग फॉर ए कॉपी एंड यू मिस समथिंग दैट एक्सप्लेन द प्लॉट इट शो एंड अंडरलाइन problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love a heart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I run for the hills low budget painful to watch why did soak only have 3 lakhs in the ending agree with previous you saying it had a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good ado lower and great movie dark effect for this movie very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it is start of strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर
2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वॉज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज वॉट इंटरवली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट एज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवर्ड डिड देर इज सो मैनी ईयर्स ऑफ दिस लाइफ एनी वेज इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मूवी दैट इज ए फन लविंग मूवी बोर द फैमिली इज द दिस मूवी एट ए डार्क साइड टू हाउ डॉग्स आर टैलेंटेज इज द ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री एंड इज वॉज हॉर्न बिल साइड टू हाउ जर्मन सेपर्ड्स ऑफ द गुड यू एस पोलिस फोर्स सो इट दैस बोथ बी साइड ऑफ हाउ जर्मन स्टेपर्ड हैव गिन यूज फॉर दे वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एक्चुअली नाउ द फ्लिप साइड टू जैक जेकर रोजर्स एका ऑफ आरोन एकहर्ट इज द स्टार ऑफ द मूवी हुम इज प्लेइंग ए गुड लॉस एंजल्स पुलिस ऑफिसर दैट हैज डेडिकेटेड इज लाइक के नाइन पोलिशिंग अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर ए सी ए के नाइन पुलिस डॉग इज दैट शॉर्ट एंड क्लिड इज द लाइन ऑफ ड्यूटी इट वॉज प्रॉब्लमी द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट दिस डिड लीड ऑफिसर रोजर टू ए न्यू पार्टनर दैट इज एंड अप अडोप्टिंग दिस फीमेल डॉग नेम सोक्स बीकम ए ग्रेट पार्टनर फॉर हिम थॉट सोम हार्ड वर्क ऑफ कोर्स एनी वे थॉट आउट ऑफ द मूवी इट टेंड्स ऑफ गेट स्लो एंड सैड बट आई थॉट इट आल्सो किप्ट मी ऑफ द ईडीजी ऑफ माई सीट बिकॉज ऑफिसर रोजर वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु क्लिड एसिंग विच इवेंचुअली लीड हिम द सोक ओरिजिनल ओनर ए फीमेल जर्मन बॉस ऑफ द ड्रग रिंग द वूमेन वॉज रनिंग दिस इज वेरी द मूवी गेट डार्क इन द एंड हिज डज बाइंड सोक बट देर इज डेफिनेटली ए पार्ट द मूवी दैट डेफिनेटली गेट इंटेंसिटी ए लाइफ ऑफर रोजर इज नाउ ऑन द ईडीजी फॉर हिम एंड सोक्स एनी वे देर इज ए हैप्पी एंडिंग बट विल हैव टू वॉच दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग फॉर आई कैन शे इट नॉट ए गुड सम पीपुल हैव सेड बिफोर मी इट इज गुड मूवी फॉर पीपुल हु लव्स डॉग्स एंड इज गुड मूवी बिकॉज जस्टिस टू सर्वर एंड ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस आउट ऑफ पोजिशन ड्रग ऑफ मेजर सिटीजन लाइक लॉस एंजल्स ए सिटी दैट विट लीज लिटरेचर ईट यू लाइव इफ यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज रैम्पेंट ऑफ देयर अनफॉर्चुनेटली आई डू प्रे फॉर लॉस एंजल्स एंड आई प्रे फॉर द सॉल्यूशन दैट आर टेकन बाय द डार्क साइड ऑफ ड्रग्स लाइक फैंटास्टिक प्लीज गेट हेल्प इफ यू आर ऑन ड्रग्स यू आर लाइव टू वर्थ मोर देन यू मैनी वैल्यू योर सेल्फ यस आई रिकमांडेड दिस मूवी इट इज डेफिनेटली एन आई ओपनर टू हार्ट हैपनिंग ओवर आई कंट्री आई एम क्रॉस दिस movie is accident in ever really had hard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robe of maybe a good was the moving sinister door content being is USA had a so southern border world Chinese fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles yes there is an up crime for an educated US story the other review will new tell the plot better but problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union this script was the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep feel like you seen before it is a mass up cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart his role feels all the familiar been there was this type feeling you can however suspended believe at the ending the streets of scenes of Los Angeles a descent job highlighting the real drug circus play over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good a movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to
टू वॉच इट यू हैव ए गुड आई इट एवरीबॉडी आई फील लाइक दिस कुड हैव हैड द बोन्स ऑफ ए गुड मूवी बट इट सीम्स लाइक सम सर्कल स्टूप वॉज एडिटेड आउट ऑफ द मे बी जस्ट वॉज नेवर इवन फिल्म इट वॉज वेरी मै डिकोर इट द ऑल एक्सपेक्ट बट अदर दैन स्क्रीन राइटिंग ऑन द एडिटिंग वॉज ट्रेस एज हार्ड टू से विच विदाउट न्यू हाउ मच ऑफ द फिल्म वॉज कट ड्यूरिंग पोस्ट प्रोडक्शन वॉज सस्पेक्ट इफ द वुड एन अनफॉर्चुनेट इन दिस मूवी द फर्स्ट डॉग ए सी वॉज डेफिनेटली हिज पार्टनर एट दैट हाउ ही लुक्ड एट द हिज पुट दिस लाइफ ऑन द गुड मर्डर ऑफ द पार्टनर जस्ट हैपेंड टू गुड डॉग जर्मन सुपर एंड गुड अराउंड फॉर जर्मन ए वेरी डार्क आई कैन सीम दैट डिड नॉट स्पेंड मच ऑन द कास्ट ऑज नियरली 50% सीम टू बी बंस ऑफ स्किड हाउ हार्ड टू कीप अप एंड गोइंग फॉर ए कॉफी एंड यू मिस समथिंग दैट एक्सप्लेन द प्लॉट इट शो एंड अंडरलाइन problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every seen in the theaters आई गिव इज द 5 star ए लिटिल डार्क डेफिनेट रिन्यू मूवी बट ए गुड वॉच लव एक हर्ट एंड द डॉग्स आर प्रीती अवेसम आई वॉच बिकॉज आई एम फैन ऑफ आरोन एक हर्ट एंड आई लव डॉग स्टोरी दिस मूवी वॉच ट्रिब्यूनेट इट नॉट ग्रेट बट ऑफ एक हर्ट वॉच गुड ऑफ द रिकमांडेड इफ यू वेरी डॉग एक्टिंग इन दिस मूवी आई डी रन फॉर द हिल्स लो बजट पेनफुल टू वॉच वाई डिड सोक ओनली हैव 3 lakhs इन द एंडिंग एग्री विथ प्रीवियस review saying it was a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good ado lower and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific rogues and businessman acting as front of this it is start of strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वॉज वेरी माय हिस्ट्री एंड दिस इज वॉट इन ट्वेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एन एकर्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइज जस्ट ए क्लीन एस्टवेड डिड देर इज सो मैनी ईयर्स ऑफ दिस लाइफ एनी
एनीवेज इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मूवी दैट इज ए फन लविंग मूवी बोर द फैमिली इज द दिस मूवी एट ए डार्क साइड टू हाउ डॉग्स आर टैलेंटेड इज द ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री एंड दिस वाज हॉर्नबिल साइड टू हाउ जर्मन शेपर्ड्स ऑफ द गुड यूएस पुलिस फोर्स सो इट दैस बोथ बी साइड ऑफ हाउ जर्मन शेपर्ड हैव बीन यूज फॉर दे वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एक्चुअली नाउ द फ्लिप साइड टू जैक जेकर रोजर्स एका ऑफ आरून एकहार्ट इज द स्टार ऑफ द मूवी हुम इज प्लेइंग ए गुड लॉस एंजल्स पुलिस ऑफिसर दैट हैज डेडिकेटेड इज लाइक के नाइन पोलिशिंग अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर ए सी ए के नाइन पुलिस डॉग इज दैट शॉर्ट एंड क्लिड इज द लाइन ऑफ ड्यूटी इट वॉज प्रॉब्लम द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट दिस डिड लीड ऑफिसर रोसर टू ए न्यू पार्टनर दैट इज एंड अप अडोप्टिंग दिस फीमेल डॉग नेम सोक्स बीकम ए ग्रेट पार्टनर फॉर हिम थॉट सोम हार्ड वर्क ऑफ कोर्स एनी वे थॉट आउट ऑफ द मूवी इट टेंड्स ऑफ गेट स्लो एंड सैड बट आई थॉट इट आल्सो किप्ट मी ऑफ द ईडीजी ऑफ माई सीट बिकॉज ऑफिसर रोजर वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु क्लिड एसी विच इवेंचुअली लीड हिम द सोक ओरिजिनल ओनर ए फीमेल जर्मन बॉस ऑफ द ड्रग रिंग द वूमेन वॉज रनिंग दिस इज वेरी द मूवी गेट डार्क इन द एंड हिज डज फाइंड सोक But there is definitely a part of the movie that definitely get intensity. A life over Roger is now on the EDG for him and socks anyway. There is a happy ending, but we'll have to watch. This movie is worth watching for I can say it not a good. Some people have said before me it is good movie for people who loves dogs and it's good movie because justice to server and on the criminals that dis out of position drug of major citizen like Los Angeles, a city that witly literature eat you alive if you don't stay away from the drugs and crime that is rampant of there unfortunately I do pray for Los Angeles and I pray for the solution that are taken by the dark side of drugs like fantastic please get help if you are on drugs you are alive to worth more than you many value yourself yes I recommended this movie it is definitely an eye-opener to heart happening over our country I am across this movie is accident in ever really had hard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robot maybe a good was the moving sinister door content being is USA had a sweet so southern border world sign is fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles yes they There is enough crime for an educated US story. The other review will new tell the plot better. But problem why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year. I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry. I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is sale as well the man of the good with this movie will keep you like you seen before it is a mass of cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs a character's role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe at the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus play over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stuff was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mediocre it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without knew how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was
डेफिनेटली हिज पार्टनर एट दैट हाउ ही लुक्ड एट द हिज पुट दिस लाइफ ऑन द गुड मर्डर ऑफ द पार्टनर जस्ट हैपेंड टू गुड डॉग जर्मन सुपर एंड गुड अराउंड फॉर जर्मन ए वेरी डार्क आई कैन सीम दैट डिड नॉट स्पेंड मच ऑन द कास्ट ऑज नियरली 50% सीम टू बी बंस ऑफ स्किल हाउ हार्ड टू कीप अप एंड गोइंग फॉर ए कॉफी एंड यू मिस समथिंग दैट एक्सप्लेन द प्लॉट इट शो एंड अंडरलाइन problems of Los Angeles for this movie and the home place of the people I have if there and rating lower and good thing how did the movie and trust me rating this movie was badly written acting was may if you bored is something to watch but the scenes just not and seem together chopping this is good written and good thing I like it it had the all the element of a good story good acting and interesting ending this movie is going to be the best movie every scene in the theaters I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love a heart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunet it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I did run for the hills low budget painful to watch why did Sok only have 3 legs in the ending agree with previous you saying it was a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good a do lower and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it is start of strongly bogs down is the middle of this mostly and perfectly bogs and good thing about that dogs give the film touch of class but as good with the forgettable notable and after a long time for this skid for this movie साल 2023 में रिलीज हुई मजल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अरुण एकहार्ट के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था मजल मूवी था, जो साल 2023 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी थ्रिलियर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि मजल मूवी जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 40 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 40 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2023 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो Google यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 65% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.5 है और इस मजल मूवी की रिलीज डेट 29 सितंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन स्टेनबर्ग जूनियर थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं मजल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई थॉट दिस मूवी वाज वेरी मास्टरी एंड दिस इज व्हाट इंटवेली ड्यू मी टू डू आई डू लाइक आरोन एकहार्ट इज प्ले ए रियली गुड रोल एज द अमेरिकन थॉट गाइस जस्ट ए क्लीन एस्टवर्ड डिड देयर इज सो मेनी इयर्स ऑफ दिस लाइफ Anyways, if you are looking for a movie that is a fun, loving movie for the family, is that this movie adds a dark side to how dogs are talented is the drug selling industry and this was horrible side to how German shepherds of the good US police force so it does both be side of how German shepherds have been used for they was very interesting and informative actually now the flip side to Jake Rogers Eka of Aaron Eckhart is the star of the movie whom
इज प्लेइंग ए गुड लॉस एंजल्स पुलिस ऑफिसर दैट एज डेडिकेटेड इज लाइक के नाइन पोलिशिंग अनफॉर्चुनेटली हिज पार्टनर ए सी ए के नाइन पुलिस डॉग इज दैट शॉर्ट एंड क्लियर इज द लाइन ऑफ ड्यूटी इट वॉज प्रॉब्लम दैडेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बट दिस डिड लीड ऑफिसर रोसर टू ए न्यू पार्टनर दैट इज एंड अफ अडोप्टिंग दिस फीमेल डॉग नेम सोक्स बीकम ए ग्रेट पार्टनर फॉर हिम थॉट सोम हार्ड वर्क ऑफ कोर्स एनी वे थॉट आउट ऑफ द मूवी इट टेंड्स ऑफ गेट स्लो एंड सैड बट आई थॉट इट आल्सो किप्ट मी ऑफ द ईडीजी ऑफ माई सीट बिकॉज ऑफिसर रोजर वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु क्लीड एसिंग विच इवेंचुअली लीड हिम द सोक ओरिजिनल ओनर ए फीमेल जर्मन बॉस ऑफ द ड्रग रिंग द वूमेन वॉज रनिंग दिस इज वेरी द मूवी गेट डार्क इन द एंड हिज डज फाइंड सोक बट देर इज डेफिनेटली ए पार्ट द मूवी दैट डेफिनेटली गेट इंटेंसिटी ए लाइफ ऑफर रोजर इज नाउ ऑन द ईडीजी फॉर हिम एंड सोक्स एनी वे देर इज ए पी एंडिंग बट विल हैव टू वॉच दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग फॉर आई कैन शे इट नॉट ए गुड सम पीपुल हैव सेड बिफोर मी इट इज गुड मूवी फॉर पीपुल हु लव्स डॉग्स एंड इज गुड मूवी बिकॉज जस्टिस टू सर्वर एंड ऑन द क्रिमिनल्स दैट डिस आउट ऑफ पोजिशन ड्रग ऑफ मेजर सिटीजन लाइक लॉस एंजल्स ए सिटी दैट विट लीच literature eat you alive if you don't stay away from the drugs and crime that is rampant over there unfortunately I do pray for Los Angeles and I pray for the solution that are taken by the dark side of drugs like fantastic please get help if you are on drugs you are alive to worth more than you many value yourself yes I recommended this movie it is definitely an eye opener to heart happening over our country I am across this movie is accident in ever really had hard of it many say is dark but I really reflection of the what pouring across our southern border is the robot maybe a good was the moving scenes the dour content being is USA had a resource southern border world Chinese fantastic and Mexican drug cartels be so easily available and operating here on US soil as a major plot of the good get here that normal air is Los Angeles yes they There is enough crime for an educated US story the other review will new tell the plot better but problem is why the media did not but any energy it publicizes is either Hollywood new is careful when too much is on the screen for the upcoming 2024 election year I am surprised this even was released keeping as separate and saying all is well in America is the way the media went to sorry I was hoping my repute would not go political but this state the union this script wise the problem is self as well the man of the good with this movie will keep you like you seen before it is a mass of cop drama dog bonding and over that top renew ending you never really get invested is many of the character include the dogs Eckhart is role feels all the familiar been there watch this type feeling you can however suspended believe up the ending the streets of scenes of Los Angeles a decent job highlighting the real drug circus play over this so long of a good have nothing of meaning going on the have watch for less than or books of problem you can disappointment and good think about very muzzle movie and good think about very intelligent I have every as a German the perfect movie I enjoy watching movie like this so exit and kit keeps you on your toes it is pretty good movie thought I success that to everybody if you want to watch it just make sure that you don't have no kids running around to watch it you have a good eye to everybody I feel like this could have had the bones of a good movie but it seems like some circle stub was edited out of the maybe just was never even filmed it was very mad decode it the all expected but other than script writing on the editing was tracing as hard to say which without know how much of the film was cut during post production was suspect if the wooden and unfortunately in this movie the first dog AC was definitely his partner at that how he looked at the is put this life on the good murder of the partner just happened to good dog German super and good around for German a very dark I can see that did not spend much on the cast was nearly 50% seem to be bunch of skilled how hard to keep up and going for a copy and you miss something that explain the plot it show and underline
प्रॉब्लम्स ऑफ लॉस एंजल्स फॉर दिस मूवी एंड द होम प्लेस ऑफ द पीपल आई हैव इफ देयर एंड रेटिंग लोअर एंड गुड थिंग आउट डिड द मूवी एंड ट्रस्ट मी रेटिंग दिस मूवी वाज बदली रिटन एक्टिंग वाज मे इफ यू बोर्ड इज समथिंग टू वॉच बट द सीन्स जस्ट नॉट एंड सिम टूगेदर चोपिंग दिस इज गुड रिटन एंड गुड थिंग आई लाइक इट इट एट द ऑल द एलिमेंट ऑफ ए गुड स्टोरी गुड एक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग एंडिंग दिस मूवी इज गोइंग टू बी द बेस्ट मूवी एवरी सीन इन द थिएटर्स I give is the 5-star a little dark definite renew movie but a good watch love a heart and the dogs are pretty awesome I watch because I am fan of Aaron Eckhart and I love dog story this movie was tribunate it not great but of Eckhart was good of the recommended if you very dog acting in this movie I'd run for the hills low budget painful to watch why did Sok only have 3 legs in the ending agree with previous review saying it was a good movie I love this movie the new dog he got love here but the first may is rest in peace why is Mia so much younger than Jake in this movie also Jake is kind of this is job tribunate completely unbelievable and poor plot a completely for 94 minutes of my life brought a tear of this good ado lover and great movie dark effect for this movie very very intelligent I have everything overall muzzle offer a thriller and suspenseful view expression that keeps audience on the edge of your seat and this pursuit Jack strip over the underworld of shady character terrific dogs and businessman acting as front of this it start of strongly Bob's